भाव धंधे की तो पूरी वाट लग गई है। सही कहा भाव, फला खाने के वांदे बोले, पता नहीं क्या हो रहा है। भाव ये देख कोई बड़ी मछली फंसी है भाव। हाला हाला खींच खींच खींच। थामा थामा। ये तो बॉक्स है। लगता है कोई माल होगा। सर चल उठा के देखते, निकाल बाहर निकाल। कहाँ मिला है तुम्हें? वहां पानी में साहब, हम मच्छी पकड़ने के लिए गए थे, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमने कुछ नहीं किया साहब, जैसे हमने बक्सा देखा सीधा आपको फोन कर दिया। सच बोल रहे हो दोनों? जी साहब। जी साहब सच बोल रहे हैं। काम ले, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जो निर्मलता सरलता और जो निश्चल भावना उनमें देखने को मिलती है वो किसी में देखने को नहीं मिलती। बच्चे बड़ी मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए इस दुनिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उम्मीद कि इस दुनिया के लोग उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन हम आए दिन बच्चों पर होने वाले जुर्म के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बच्चों की मासूमियत उनके बचपन का कोई मोल नहीं होता। क्या ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि बच्चों को अगर हमसे कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ प्यार। मुंबई के बसई इलाके में मिला ये संदूक और उसमें मिली एक बच्ची की लाश, आखिर इस बच्ची को किसने और क्यों मारा था? सर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की उम्र 5 से 6 साल के आसपास है और बॉडी को पानी में फेंके हुए 6 से 7 दिन बीत चुके हैं। इसी वजह से बॉडी काफी फूल चुकी है। सर ये देखिए, सर बॉडी के गले पे मार्क्स मिले हैं। सर इसका मतलब पहले उसका गला दबाया गया, उसके बाद उसे पानी में फेंका गया। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह कि बच्ची की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई। उस जगह के आसपास कोई क्लू मिला? नहीं सर, क्लू तो नहीं मिला, लेकिन हमने सैंपल के लिए वहां की मिट्टी ले ली है। और बच्ची के बारे में कोई खबर, कौन है, कहां से है, कुछ? नहीं सर, बच्ची की बॉडी पर जो स्कूल यूनिफॉर्म मिला है, क्योंकि यूनिफॉर्म पूरी तरह से गल चुका है। ऐसा करो, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उस बच्ची का स्केच तैयार करो। बॉडी पानी में पड़ी थी इसलिए चेहरा फूल गया होगा, इसलिए कंप्यूटर से उसको जितना क्लोजली मैच कर सकते हो करो, और उसके बाद फोटो को हर जगह सर्कुलेट कराओ, शायद किसी ने उसे देखा हो या फिर किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेन। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। इस बच्ची को जानते हैं? अरे ये बच्ची, इसे क्या हुआ? जानते हो इसे? हाँ साहब, इस बच्ची के साथ में और एक बच्ची आती थी, और इन दोनों के साथ में एक औरत भी आती थी यहाँ पे सामान खरीदने के लिए। अच्छा वो औरत या बच्ची, उनके बारे में कुछ पता है आपको? वो तो नहीं पता। शक्ल तो याद होगी? हाँ शक्ल याद है थोड़ी सी। स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ। सर बहुत ढूंढने के बाद एक दुकानदार ने उस बच्ची को पहचान लिया है। सर वो बच्ची एक और बच्ची और एक औरत के साथ उस दुकान पर आया करती थी। ये रहा उसका स्केच। सर हो सकता है कि ये उन दोनों बच्चियों की माँ हो। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बहुत जल्द इस केस का पहला सुराग ढूंढ निकाला। आखिर ये औरत कौन थी? इस बच्ची का उससे क्या संबंध था? क्या वो इस बच्ची की माँ थी? आखिर उसे इस तरह से किसी ने क्यों कैद करके रखा था और क्यों वो अपने आप को दी जाने वाली सजा को सही बता रही थी? दुकानदार ने पुलिस को बताया था कि उसने इस औरत के साथ 2 बच्चियां देखी थी, जिनमें से एक की लाश मिल चुकी थी, तो दूसरी बच्ची कौन थी और इस वक्त कहाँ थी? पुलिस ने इस महिला को ढूंढना शुरू किया और साथ ही जिस खाड़ी में बच्ची की लाश मिली थी उसके आसपास भी खोज जारी रखी गई। पुलिस को इस केस में बहुत जल्द एक और ऐसा झटका मिलने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था।
ताला तोड़ो। सर अमर सर, बॉडी देखकर लगता है कि इस बच्ची की एज पहले वाली बच्ची से ज्यादा है। डीएनए टेस्ट करवाओ दोनों पर फौरन। सर ऑलरेडी प्रोसेस में है। सर इस बच्ची का भी पहले गला दबाया गया, उसके बाद इसे पानी में फेंका गया। ये हैवान है कौन जो इन छोटी बच्चियों की जान के पीछे पड़ा हुआ है? सर इन दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन है, स्कूल यूनिफॉर्म। सर पहले वाली बच्ची ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। स्कूल में पूछताछ करो, उस औरत की तलाश तेज करो। गोताखोरों से कहो कि वो पानी में अच्छे से तलाशी लें, कहीं वो पानी में ही ना हो। हो सकता है कि इस औरत ने अपनी दोनों बच्चियों को मारा हो और फिर सुसाइड कर लिया। ओके सर। ये स्कूल यूनिफॉर्म तो हमारे ही स्कूल की है सर, ये बच्चियां हमारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। आपके स्कूल से कोई बच्ची मिसिंग तो नहीं है? हमारे स्कूल से कोई बच्ची मिसिंग नहीं है और हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। हमें आपके स्कूल का डेटाबेस चेक करना है। श्योर सर, मैं क्लर्क को बोल देती हूँ, वो आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा। ओके ओके सर, वो दोनों ही बच्चियां तो स्कूल की नहीं है। अगर दोनों बच्चियां बीके स्कूल की नहीं है तो फिर उनके पास ये यूनिफॉर्म कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए उन्हें वो यूनिफॉर्म पहना दिया? स्कूल में पता करो। सर आनंदनगर मोहल्ले से एक कंप्लेंट है, लोगों का कहना है कि एक घर से उन्हें बदबू आ रही है। चलो। यही है वो घर साहब, इसमें बदबू आ रही है। ओए अंदर, काम ले, दरवाजा तोड़। काम ले, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। इसकी लाश अंदर मिली, उसका क्या नाम है? सर इसका नाम शक्ति साहब है, करीब एक साल से यहाँ पर रह रहा था साहब। हाँ साहब। कब से बदबू आ रही है? कल भी बदबू आ रही थी लेकिन कल इतनी नहीं आ रही थी साहब। इस आदमी को देखकर लगता है कि कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई थी, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ साहब, लेकिन सब कुछ चुपचाप हुआ था, हमें नहीं बुलाया था साहब। इसके परिवार वाले भी खुश नहीं थे। इसकी फैमिली इसके खिलाफ क्यों थी? वो इसकी बीबी बहुत उम्र में बड़ी थी ना साहब, इसलिए कुछ ठीक नहीं था साहब। ठीक है सर, यही कोई 22-23 साल का लड़का होगा। उसकी बॉडी और घर की हालत देखकर तो यही लगता है कि उसकी मौत सुहागरात के अगले ही दिन हो गई थी। सर आसपास पूछताछ की लेकिन किसी को नहीं पता कि उसकी बीवी कौन है, लेकिन सर अरुण नाम के आदमी ने उसे आइडेंटिफाई किया है। मैं सर लेकर आया हूँ स्केच बनवाने के लिए। मात्र जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती पूरी बातें क्लियर नहीं होंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब इस शख्स की शादी से रिलेटेड है, स्पेशली जबकि हम ये जानते हैं कि इसकी बीवी उम्र में इससे बड़ी थी। सर स्केच। इन दोनों के साथ में एक औरत भी आती थी यहाँ पे। स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ। सर ये दोनों स्केच तो मैच करते हैं। उसे खिला पिला कर अपने वश में कर लिया था, इसीलिए मेरा बेटा शक्ति हमारी बात ही नहीं सुनता था। रुक जाओ शक्ति, क्या ये क्या पागलपन है? ये मैं क्या सुन रही हूँ, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लड़की से तुम शादी कर रहे हो? अरे माँ वो अच्छी लड़की, मैं उसे जानता हूँ। अरे लड़की नहीं औरत है वो, तुम्हारे से पहले 3 शादी कर चुकी है और अब 4th शादी तुम्हारे साथ करी है। कल को तुम्हें छोड़कर अगर किसी और के साथ शादी कर ली तो उसने? माँ आप हटो, मैं उससे ही शादी करूंगा। अरे उसी ने मारा है मेरे बेटे को। माशा आई को अंदर लेके जाओ। माँ आप अंदर जाइए। क्या यही है वो औरत? जी। और कुछ बता सकते हो उसके बारे में? मैं बस इतना जानता हूँ कि इसका नाम गौरी है और जिस बिल्डिंग में मेरे भाई के बॉस रहते हैं वहीं पे ये झाड़ू पोछे का काम करती थी। शक्ति वहां काम के लिए जाता था तो वहीं इन दोनों की मुलाकात हुई थी। क्या कर रहे हो यहाँ? कोई देख लेगा? अच्छा तुम्हारी बदमाशियां ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बदमाशियां नहीं ये प्यार है और थोड़े दिन के बाद तुम मिसेस शक्ति बन जाओगी। तो उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया था सर। अरे मुश्किल से 4-5 बार ही आया होगा शक्ति हमारे घर पर, लेकिन उस औरत ने उसे अपने माया जाल में फंसा लिया। अरे इतना सब होने के बावजूद मैं उसे कैसे रखती काम पर? आखिर मेरी भी 2-2 बेटियां हैं,
क्या असर पड़ता उन पर? ठीक है, गौरी के डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर। क्यों, आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया? नहीं सर, मैंने तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं समझी। मुझे एक मेड चाहिए थी और उसी काम। इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बच्चियों का? हजार बार कहा है कि कोई भी वर्कर को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एटलीस्ट आप भी तो करिए। सॉरी सर। खैर, कभी कुछ बताया गौरी ने अपने बारे में? हाँ सर, बताया था। उसकी दो बेटियां हैं, मैंने अपनी बेटियों के कपड़े दिए थे उसे। कहाँ पढ़ती हैं आपकी बेटियां? बीके पब्लिक स्कूल। सर, हमारा अंदाजा सही था, वो स्कूल यूनिफॉर्म मिसेस वर्मा की बेटियों की थी और सर गौरी उन दोनों बच्चियों की मां। लेकिन वो दोनों बच्चियां मरी कैसे और गौरी इस वक्त कहाँ है? सर, इस सवाल का जवाब शक्ति और गौरी के कॉल रिकॉर्ड दे सकते हैं। ऐसा क्या कॉल रिकॉर्ड है? सर ये देखिए, शक्ति गौरी के टच में था और सर ये देखिए, गौरी लगातार किसी उद्भव से बात कर रही है। मात्र हो सकता है कि ये उद्भव गौरी का पहला पति हो, उन दो बच्चियों का बाप। इस उद्भव की कुंडली निकालो। ओके सर। उद्भव मिश्रा सुनिए। हाँ? पुलिस आई। गौरी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम थोड़ा पानी लेके आओ। साहब, वो पहली बीवी थी मेरी, मेरी दोनों बच्चियां उसी से हैं। लेकिन हुआ क्या साहब? गौरी इस वक्त गायब है और हमें उसकी तलाश है। घर में बच्चों की कोई फोटो नहीं, क्यों? दरअसल गौरी बहुत गलत किस्म की महिला थी। मुझे तो शक था कि वो बच्चियां मेरी हैं भी कि नहीं है, लेकिन अब इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ ममता के साथ। तुझे ऐसा क्यों लगा कि गौरी तेरे साथ बेवफाई कर रही थी? एक कारण हो तो बताओ ना। इस तरह कोई मर्द अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ता। उसे हर वक्त मर्दों की संगत की जरूरत पड़ती थी। मेरे बाद भी उसने दो दो शादियां की। अभी हाल फिलहाल में पता चला फिर एक शादी की। उसका फोन भी आया था मुझे। मैं बच्चों को अपने पास नहीं रखने वाला। वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, और फिर मैं कुछ दिनों के लिए तो कह रही हूँ, कुछ वक्त बाद आकर मैं उन्हें खुद ले जाऊंगी। तू हर दो महीने पे शादी करती रहे और मैं यहाँ बैठ के बच्चों को झेलूं? अरे तू तो हर दो महीने पे पति का जुगाड़ कर लेती है ना, बच्चों को संभालने वाले का भी जुगाड़ कर ले। और तेरे लिए वैसे भी ये सब कहाँ मुश्किल है, रख रहा हूँ। क्यों, बच्चों को बाप की जरूरत नहीं थी? शायद तुम्हारी दोनों बच्चियां मर गई हैं। मार दिया? क्या कह रहे हैं साहब? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पीछा छुड़ाने के चक्कर में तूने उन्हें मार दिया? अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो जब बच्चों को लेकर मेरे पास आई ही नहीं तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन अगर हमें पता चला ना कि तूने हमसे झूठ बोला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं ये सोच लेना। शक्ति से पहले किन दो लोगों से शादी की थी उसने? ये नहीं पता साहब। हाँ, उसकी माँ को पता होगा। उसकी माँ का एड्रेस दे। ये नहीं हो सकता। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस जिस तरह उसे प्यार किया, सब के सब निकम्मे निकले सर। ऐसा क्या किया उन लोगों ने? साहब, उसका पहला पति उद्भव उस पर बहुत शक करता था, उसकी जिंदगी हराम कर दी। फिर उसका दूसरा पति अश्विन, वो तो पागल था, बात बात पर उसको मारता पीटता रहता था। और उसका तीसरा पति वीरू, वो तो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, पता नहीं कितनी औरतों से संबंध रखे थे, इसलिए मेरी बेटी ने उसको छोड़ दिया। बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, मेरा और अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। आपकी बेटी ने आपको 7-8 दिन से कॉल नहीं किया तो आपको शक नहीं हुआ? मुझे लगा नई नई शादी हुई है तो दोनों कहीं घूमने गए होंगे, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। आपका बेटा गौरी का भाई कहाँ इस वक्त? वो काम पर है साहब, अभी थोड़े दिन पहले ही उसकी नौकरी लगी है पुणे में, वहीं पे रहता है, शनिवार को आता है। गौरी के पिछले पतियों का एड्रेस दे सकती हैं? जी। पुलिस की तहकीकात में गौरी के दो रूप सामने आए, जहां एक तरफ लोगों का कहना था कि गौरी एक चरित्रहीन महिला है जो अक्सर अपने जीवन साथी बदलती रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरी की माँ के हिसाब से गौरी बिल्कुल बेकसूर है, एक सीधी सादी औरत है जिसे अपनी जिंदगी में एक सच्चे प्यार की तलाश है। बहरहाल, पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट्स की लिस्ट में गौरी के पहले के दो पति थे, लेकिन क्या वाकई में गौरी के दोनों बच्चों को उनमें से ही किसी ने मारा था? अश्विन दुई है जी। अंदर आ सकता हूँ, कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एक बात बता, गौरी और उसके बच्चे कहाँ हैं?
कुछ पता है उनके बारे में? मेरा उससे एक साल से कोई भी लेना देना नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। दो दिन पहले कहाँ था तू? घर पे ही था। ठीक है। क्या बात कर रहे हो साहब? बच्चों को? बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए हाँ साहब, वो गौरी अगर मर भी जाती ना तो कोई दुख नहीं होता मुझे। जिस तरीके से वो मर्दों के लिए भूखी थी ना, ये सब तो होना ही था। शायद माँ के किए की सजा उन मासूम बच्चों को मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से तूने बच्चों को मार दिया और अब नाटक कर रहा है? मैं तो उससे छुटकारा पाकर खुश था, और शायद मैं ऐसा पहला पति हूँ दुनिया में कि जो अपनी पत्नी की दूसरी शादी कराकर खुश है। सर मुझे तो उस शक्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमें तेरे गैरेज की तलाशी लेनी। ले लीजिए। काम ले। आइए सर। सर वीरू के गैरेज की छानबीन की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है। सर फिर भी मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। और अश्विन? सर अश्विन के बारे में पूछताछ की है, वो थोड़ा अजीब है। अंदर आ सकता हूँ? कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास? उसके घर का सर्च वारंट निकलवाओ और सारे राज खोद डालो। ओके सर। सर हमारे दो कांस्टेबल ऑलरेडी तैनात हैं, उम्मीद है जल्दी कुछ हाथ लगे। गुड सर, अभी अभी उस गौरी को तुकाराम ने स्पॉट किया है। गुड, गाड़ी निकालो और तुकाराम को बोलो उस पर नजर रखे। ठीक है सर। इनकी बॉडी पे कई सारे घाव हैं, लगता है जैसे इन्हें टॉर्चर किया गया है, हालांकि इनको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। देखिए हम लोग आपकी मदद करने आए, अब तक कहां थे आप? मेरा अपहरण हुआ था। कब हुआ था और किसने किया था? कहां लेके जा रहे हो? यहां कहां है मेरे बच्चे? चलना बच्चे दिखा दो। मेरे भाई प्रमोद ने ही मेरा अपहरण किया था। आपके भाई ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि मैंने अपने बच्चों को अपने मायके में छोड़ा हुआ था। माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी इन्हें लेने। हम आपका इंतजार करेंगे माँ। हाँ बेटा मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। बेटा तुम दोनों अंदर जाओ, अपनी बहन को भी कर। गौरी प्रमोद गुस्सा करेगा, तुम्हारी तीसरी शादी से भी वो काफी नाराज था। क्या सोच करके तुमने अपने से 7-8 साल छोटे आदमी से शादी कर रही हो? माँ मेरे पास और क्या रास्ता है, और मैं सबका ख्याल रख रही हूँ ना, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, और मैं बहुत दिन के लिए इनको यहाँ नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आकर इन दोनों को ले जाऊंगी। प्रमोद को तो ये बात समझनी चाहिए, मैंने उसका कितना साथ दिया है, आज उसे मेरा साथ देना चाहिए ना माँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? देखिए आपकी दोनों बच्चियां और आपका हस्बैंड शक्ति इस दुनिया में नहीं। मेरे बच्चे शक्ति। सर बच्चों की मौत की खबर सुनकर गौरी पूरी तरह से टूट चुकी है, पर मात्रा अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। पहले उस जगह की छानबीन करो जहां गौरी को किडनैप करके रखा गया, पता करो कि वो सचमुच वहां थी भी या नहीं, और हां तो उसके साथ साथ और कौन था। अगर प्रमोद ने गौरी को किडनैप किया था तो फिर दोनों बच्चियों को किसने मारा? सर हो सकता है कि गौरी ही झूठ बोल रही है। पर क्या एक भाई ऐसा कर सकता है? उसके भाई की पूरी रिपोर्ट्स निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, वो कब बात करता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, हर छोटी से छोटी डिटेल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर। हेलो, क्या वो भी वहीं है? ठीक है नजर रखो हम पहुंच रहे हैं। ओके सामने। दोनों बच्चियों और शक्ति को क्यों मारा? साहब मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा?
हमारे पास कांच के टुकड़े हैं जिसमें खून है। पहले ना हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे और जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी ना उसके बाद तेरे ऊपर लाठी डंडा बेल्ट सब टेस्ट करेंगे। बोल बोल। मात्रे रिपोर्ट आने तक इसके आदर सत्कार में कोई कमी मत रखना और मेरे जाने के बाद अगर कुछ बोलना चाहे ना तो भी रुकना मत। सब बताता हूँ सर, सब सब बोलता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। सर मैं अपनी बहन के साथ उसे बदला लेना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था और शक्ति से शादी करके तो उसने हद ही पार कर दी थी। कितना छोटा था वो कि वो बार बार शादी करती थी और अपने बच्चों को हाथ पे जोड़ के चली जाती थी। क्यों? इसीलिए तूने अपनी बहन को किडनैप किया और उसके बच्चों को मार दिया। हाँ मैंने नहीं मारा है सर। कब मारा बच्चों को? किडनैप करने से पहले या उसके बाद में? बोल। मैं क्यों मारूंगा सर, मेरे भी कुछ लगते थे वो और गौरी के गलतियों में उनका क्या दोष था। गौरी को उठाने से पहले मैं उनको उसके बाप के घर छोड़ के आया था। साहब मैं नाराज तो अपनी बहन से था, मारना तो मुझे उसे चाहिए था पर मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ सजा दी। तो मैं उन बच्चियों को कैसे मार सकता हूँ भला? आप लोग यहाँ पे इंतजार करो, पापा भी आते ही होंगे। ठीक है। पापा कब आएंगे? बेटा जल्दी आ जाएंगे, आप लोग यहीं पे बैठना, कहीं जाना मत, नहीं तो पापा ढूंढेंगे कैसे। ठीक है। मामा माँ कब आएगी? वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, मैं भेज दूंगा उनको। ठीक है, लेकिन आप लोग यहीं पे इंतजार करना, कहीं जाना मत। हाँ तुम बैठ जाओ, पापा आते होंगे और माँ भी आ जाएगी। विश्वास करो साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि बच्चे मेरे घर के बाहर नहीं थे। ये कौन है? सर ये मेरी सास है, थोड़े दिन तक हम लोग के साथ रहने आई हैं। सुनो ममता, तुमने देखा था बच्चों को? नहीं, आप तो जानते हैं ना मैं कैसी हूँ। अगर वो यहाँ आए होते तो क्या मैं उन्हें अंदर नहीं लेती? सुनो साहब, ये मुझे हमेशा कहती रहती है कि जाओ और बच्चों से मिलो, उनकी माँ में खराबी थी, बच्चों की क्या गलती है। सुन, ये शराफत का नाटक किसी और के सामने जाकर करना, इतने साल की नौकरी में हजारों ऐसे नाटक देख चुका हूं मैं। सच तो ये है कि तू उन बच्चों को चाहता ही नहीं था और जब तूने उन्हें अपने घर के बाहर देखा। सर बच्चे मेरे घर के बाहर नहीं थे, विश्वास करिए मेरा। आप किसकी बात में विश्वास कर रहे हैं? प्रमोद की? अरे जिसने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा किया हो बच्चों के साथ क्यों ना करेगा। अरे ये भी हो सकता है कि बच्चों को मारने के बाद वो अपनी बहन को मारने जा रहा हो लेकिन वो अपनी जान बचाकर निकल गई होगी कहीं। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मात्रे उद्धव और प्रमोद दोनों के पास मोटिव है इस मर्डर। उद्धव का कहना है कि प्रमोद ने किया होगा लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो हमें गुमराह कर रहा हो और शायद उसी ने ये खून किया हो। ऊपर से शक्ति का भी केस है, उसका भी खून हुआ है। पता ये लगाना है कि ये सारे मर्डर्स गौरी से रिलेटेड हैं या फिर उसका खुद का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। प्रमोद बच्चों के साथ था और फिर उसने गौरी का किडनैप किया था। हो सकता है कि उसके पहले वो गौरी के घर गया हो और शक्ति को भी उसी ने मारा हो। सकता है सर। सर ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, उम्मीद है कुछ क्लू मिले। हेलो, ठीक है, वेरी गुड सर। अश्विन के घर का सर्च वारंट मिल चुका है। सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। आपको कुछ नहीं मिलने वाला साहब, टाइम खराब कर रहे हो आप अपना। लेकिन मेरी बात तो सुना आप, ऐसे कैसे ले जा सकते हो मुझे? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाप का भरोसा करो, किसी से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? तेरी लव स्टोरी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। साहब जितना मारना है मार लो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है साहब। सर आपके निकलने के बाद अश्विन को बहुत तोड़ा लेकिन सर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया होगा। सर काफी अजीब आदमी है, अक्सर घर पर ही रहता है, फोन पर भी किसी से बात नहीं करता है। घर में तलाशी भी ली लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सर केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। शक्ति के घर और आसपास तलाशी लो, पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, जहां पर शक्ति और गौरी की शादी हुई थी वहां भी पूछताछ करो, कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। मात्र इस अंधी गली में रोशनी की किरण कहीं तो मिलेगी। ओके सर। जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नए एंगल्स के साथ ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा था। दो बच्चियां, एक औरत
और उस औरत के चार पति। क्या पुलिस जिस शक की बिना पर आगे बढ़ रही थी वही इन बच्चों की हत्या का कारण थे? किसी के भी फोन रिकॉर्ड से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। क्या हत्यारा इतना चालाक था कि पुलिस की हर चाल से पहले बाजी को मात में बदल दे? मेरे बेटे को निकल जाने के बाद भी तूने इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? चल निकल जा इस घर से। अरे हालत तो देखिए उसकी। अरे मेरे बेटे को उसने मार डाला है। अरे तो तमीज से तो बात कर सकती है ना। अरे खूनी है वो। ए तू चुप रे। बताओ क्या मैं? और क्या बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को उसने मारा है। समझता है अपने आप को? क्या समझता है? चुप है तू। बताता हूं क्या उसने मारा है। सर शुरुआत इसने की थी, मैं बता देता हूं। चुप। जरूरी नहीं है खत्म तू करे। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? आप लोग बाहर आइए, कुछ बात करनी है। आइए। भाई साहब, इन दोनों में से किसी को जानते हैं? हाँ साहब, जिस दिन इनकी शादी हुई थी और ये जिस दिन मंदिर से शादी करके लौट रहे थे, कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। कौन देख रहा था कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मुझे क्यों मार रहे हो साहब? क्योंकि तूने हमसे झूठ बोला कि गौरी को छोड़ने के बाद तू बहुत खुश था, तो फिर उसका पीछा क्यों कर रहा था? साहब, हर दूसरे मत पे उसका दिल आ जाता था और बहुत जल्दी उब भी जाता था। सर, शक्ति, शक्ति पे दिल आ गया उसका, अपने से उम्र में इतने छोटे लड़के पर। अब मुझे गौरी नहीं चाहिए थी साहब, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उस शक्ति से नफरत हो गई थी साहब। वो ऐसी एहसान परामोश औरत से प्यार कैसे कर सकता है? बस इसीलिए मैंने नजर रखना शुरू कर दिया। कहाँ जा रही हो? बच्चों को लेने जा रही हूँ। मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है, मैंने कहा था कि आज सिर्फ तुम और मैं होंगे। हाँ, नाराज हो रही होगी और प्रमोद भी। मैं ले आऊँ दोनों को? आप भी गुस्सा हो गए ना? अरे नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होऊंगा? तुम जाओ और बच्चों को अपने साथ लेकर आओ, ठीक है? सब उनसे परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, वो बच्चे मेरे भी हैं। चल चल सर। मुझे वो अकेला मिल गया, मुझे उससे बात करने का मौका मिला। तुम ये क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। मैं तो उस बेवकूफ को समझाना चाह रहा था साहब, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने उसे मार दिया साहब। शक्ति, वो अकेला ऐसा आदमी था जिसने मुझे सच में प्यार किया। मेरा भाई सही कहता था। शक्ति जैसा भला आदमी मेरी वजह से मर गया, और मेरे बच्चे भी मेरी वजह से मर गए। उन अपराधियों के लिए आप अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? अच्छा, आपको किसी पर शक है? मतलब आपके पिछले पतियों में से कोई जो बच्चों को मार सकता? मुझे नहीं पता। आखिरकार शक्ति की हत्या के राज पर से पर्दा उठ चुका था। पुलिस अब यह पता करने में जुटी थी कि आखिर गौरी की दोनों बेटियों को किसने मारा और क्यों मारा। इस सब के बीच पुलिस को फोरेंसिक टीम से एक ऐसी मेजर लीड मिली जिसने इस केस की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। आखिरकार इस केस की सारी परतें खुल चुकी थी, लेकिन जुर्म की यह दास्तां हमारी आत्मा को झकझोर देती है।
मात्रे कोई तो झूठ बोल रहा है, शायद उद्भव। सर बच्चे मेरे घर के बाहर नहीं थे, विश्वास करिए मेरा। अश्विन और प्रमोद के केस में भी कुछ ऐसा है जो हमारी नजर से छूट रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बच्चियों को किसी ने अकेला देखा और फिर किडनैप करने की कोशिश की हो, और जब मामला हाथ से निकल गया तो मार दिया। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस थ्योरी के खिलाफ है। अगर किसी ने उन्हें बेचने के लिए या फिर किसी और कारण के लिए किडनैप किया होता तो इतनी जल्दी हार नहीं मानता ना। ये पर्सनल एंगल है, इस केस को शुरू से सर से पांव तक खंगालते। पहले खाड़ी में बच्चे की लाश मिलती, उसके बाद बड़ी बच्ची की लाश मिलती। पता चलता है कि ये दोनों बहनें हैं, और बाद में पता चलता है कि ये गौरी की बेटियां हैं। हाँ सर, ये दोनों बेटियां उद्भव की हैं। इसके बाद गौरी ने तीन शादियां की, अश्विन से, वीरू से और शक्ति से। और ये है गौरी का भाई प्रमोद, जिसने गौरी को किडनैप किया था। और सब इस बात से मना कर रहे हैं कि बच्चियों को मारा है। प्रमोद ने बोला कि उसने दोनों को उद्भव के घर छोड़ा था, लेकिन वो कह रहा है कि घर पर लड़कियां पहुंची नहीं। 100% दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। ये रेत का सैंपल जो हमें खाड़ी के पास मिला। सर हमने इस एंगल पे भी काम किया, मुझे नहीं लगता कि कुछ हाथ लगे। मात्र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये देखो, जिस जगह पर ये लाशें मिली हैं वहां मिट्टी के साथ साथ रेत और नमक भी है, और पास में नमक का खेत भी है। ऐसा करो, जितने सस्पेक्ट्स हैं उनके घर की तलाशी लो और उनके फुटवेयर को फॉरेंसिक भिजवाओ, देखते हैं क्या मिलता है। हो सकता है ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो, लेकिन क्या पता इस बार किस्मत हमारा साथ दे जाए। राइट सर। टेस्ट में एक स्लीपर पे लगी मिट्टी क्राइम सीन पर मिली मिट्टी से मैच कर गई है। कौन है वो? आप लोग वो कितने बार बताओ, मैंने कुछ नहीं किया है, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? हमारे पास पक्का सबूत है कि ये सब हमने ही किया है। डायरेक्ट पॉइंट पर आकर हमारा टाइम और अपनी सेहत दोनों बचा सकती हो। तुम्हारी चप्पल में लगी मिट्टी लाश के पास मिली मिट्टी से मैच करती है, तो अब सीधी तरह ये बता दो कि इसमें और कौन शामिल था तुम्हारे साथ। बोलो। मेरी माँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? प्रमोद मामा में छोड़कर गए। चलो ऊपर। मैं बोल रही हूँ, तू फंस गई है इन दोनों में। अरे उसने तो जवान लौंडे से शादी कर ली है, और तुझे क्या लगता है हाँ इन लोगों को अपने साथ रखेगी? अब आदत डाल ले इन लोग का। नहीं माँ, मैं इन दोनों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और घर में उनकी लाशों को पैक कर दिया बॉक्स में। और फिर मौका देखकर उन दोनों लाशों को खाड़ी में बहा दिया। गौरी हमेशा से अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, और शक्ति की भी यही मर्जी थी, और उस रात वो उन दोनों को लेने ही आने वाली थी। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो एक माँ अपने दो मासूम बच्चों को नहीं खोती। एक औरत होकर भी आप लोग एक माँ को नहीं समझ पाई। ये सब जो तुमने किया है ना, उसके लिए हर सजा कम है। किसी और की घटिया और विकृत सोच की वजह से दो मासूम बच्चियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। आखिर इन बच्चियों की क्या गलती थी? आखिर गौरी ने ऐसा क्या गलत किया था
कि वो सबकी नजरों में इतनी गिरी हुई और पच्चलन बन चुकी थी? क्या हमें अपने सच्चे प्यार की तलाश करने का हक नहीं है? उसके साथ जीने का हक नहीं है? क्या पति पत्नी का रिश्ता औरत के लिए बेड़ियों का रिश्ता होता है, जहां वो चाहे या ना चाहे वो आजादी की कल्पना भी नहीं कर सकती? क्या बिगाड़ा था मेरे दोनों बच्चों ने तुम्हारा? क्यों मार दिया? हर रिश्ते की शुरुआत होती है प्यार, विश्वास और बराबरी के साथ। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी रह जाए उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।